हेलो फ्रेंड वेलकम टू अतुलिया कोचिंग जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ टीचिंग स्टाफ के लिए रेगुलर पोस्ट के लिए अभी वैकेंसी आया हुआ है आप रेगुलर पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसी आया हुआ है सब्जेक्ट वाइज चलिए इसको देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कितने वैकेंसी है आप यहाँ देख सकते हैं बॉटनी के लिए एट वैकेंसी है टोटल जिसमें कि ये बटा हुआ ग्रुप वाइज एस सी टू एस टी वन ओ बी सी वन यू आर थ्री ई डब्ल्यू एस वन केमिस्ट्री के लिए एलेवन टोटल है वैकेंसी जिसमें कि एस सी वन एस टी वन ओ बी सी थ्री यू आर फाइव ई डब्ल्यू एस वन कॉमर्स के लिए नाइनटीन टोटल वैकेंसी है और इसमें एस सी के लिए थ्री एस टी के लिए वन ओ बी सी फोर यू आर नाइन एंड ई डब्ल्यू एस वन एंड पी डब्ल्यू बी डी वन नेक्स्ट वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से टोटल है फोर जिसमें कि ग्रुप एस के लिए वन ओ बी सी वन यू आर वन ई डब्ल्यू एस वन नेक्स्ट इसमें है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के लिए टोटल वैकेंसी है वन इंग्लिश के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट इसके लिए टोटल वैकेंसी है एट बाकी ग्रुप इसका यहाँ से देख लेना आप कि किस मतलब कैटेगरी वाइज जो अलग अलग इसमें दिया हुआ यहाँ से आप देख सकते ई बी एस के लिए है यहाँ पर टोटल वैकेंसी थ्री जिसमें कि ये देख सकते हैं आप यहाँ से बटा हुआ है सारा ये किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी है उसके बाद ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के लिए है टोटल वन हिंदी के लिए टोटल थ्री और उसके बाद कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ से मैथमेटिक्स के लिए टोटल वैकेंसी देखिए यहाँ पर है थ्री माइक्रोबायोलॉजी के लिए फोर फिजिकल एजुकेशन के लिए वन फिजिक्स के लिए फाइव पोल साइंस के लिए फोर और संस्कृत के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से संस्कृत के लिए वन और जूलॉजी के लिए यहाँ पर नाइन वैकेंसी टोटल तो ये जो टोटल वैकेंसी है जो सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है एक्चुअल में ये है रेगुलर बेसिस के लिए यानी कि परमानेंट पोस्ट के लिए ये परमानेंट वैकेंसी है ये और इसके लिए आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे इसमें कुछ आप डिटेल्स दिखाते हो इसमें आपको ये देखिए इसके लिए जो है ना एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर इज मास्टर डिग्री विथ फिफ्टी मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन एज पॉइंट स्केल वेर ओवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन कंसर्न रिलिवेंट एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्यूबेरेंट डिग्री फ्रॉम एन फॉरन यूनिवर्सिटी बिसाइड्स फुलफिलिंग द एब क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एजिबिलिटी टेस्ट दैट इज नेट ये आपका क्लियर होना चाहिए मतलब कि पी के साथ आपका ये भी क्लियर होना चाहिए कंडक्टेड बाई यू जी सी और सी एस आई आर exemption from NET and having acquired PhD shall be granted in accordance with UGC regulation. For further details, please visit the college website. ये college website है जहाँ पर सारे details आपको मिल जाएगा. और इसके बाद और इसमें देख लीजिए क्या कुछ है. देख लीजिए इसको जरा और भी. अब ये देखिए जो total details इसमें दिया हुआ है. General instructions for applicant. All applicants are required to apply online in the prescribed format with complete, correct information and attachments. The applicant will be solely responsible for the authenticity of the submitted information. Applicants are required to fill the application form as available on the college website. The details regarding qualification, experience, screening guidance, and indicative pro forma. एट्सेट्रा आर अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट ये वेबसाइट एड्रेस है जहाँ से आप डिटेल्स सारा इसमें देख सकते हैं आप क्या कुछ है कैसे भरना है क्या करना है और एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड दिस डिटेल्स बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म्स। ऐसे भी देखिए क्या है नहीं। जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके पहले जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो भी पॉइंट्स दिया हुआ है सारे सब कुछ हमको अच्छी तरह से रीड कर लेना चाहिए ताकि आगे चल को कोई परेशानी ना हो एप्लीकेंट शूट पजेज द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशंस एज प्रिस्क्राइब बाई द यूनिवर्सिटी फॉर द कॉलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट द पोस्ट एडवर्टाइज कैरी यू जी सी पे स्केल प्लस एडमिशिबल अलाउेंसेज द पोस्ट आर बींग एडवर्टाइज कीपिंग इन यू द बोर्ड एरियाज ऑफ ए स्पेशलाइजेंस इन ए सब्जेक्ट हाईवर द डिपार्टमेंट कंसर्न मे हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइजेंस आप इस जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को अच्छे से अच्छे पढ़ लेना और ये फोर्थ नंबर में देख सकते हैं यहाँ से आप एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा इसका फी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर रुपीज़ फाइव हंड्रेड फॉर यू आर ओ बी सी ई डब्ल्यू एस कैटेगरी नो एप्लीकेशन फ़ी विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट्स फ्रॉम एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी कैटेगरी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स यानी कि केबल जो एप्लीकेशन फी रहेगा फाइव हंड्रेड का ये है यू आर ओ बी सी एंड ई डब्ल्यू एस के लिए बाकी किसी के लिए नहीं है फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ से इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रेस द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई अर्ली इन केस ऑफ एनी परसिस्टेंट टेक्निकल इशू द एप्लीकेंट्स कैन मेल देअर प्रॉब्लम एट द कॉलेज ई मेल आई डी यदि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई टेक्निकल इशू है कोई परेशानी आ रही है तो आप मेल करके यहाँ से हेल्प ले सकते ई मेल आई है कॉलेज का रिजर्वेशन फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम एस सी एस टी डब्ल्यू एस ओबीसी नॉन क्रिमियर एंड विद बेंचमार्क डिसबिलिटी दैट इज पी डब्ल्यू बी डी कैटेगरीज विल बी एप्लीकेबल एज पर यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स ये सारे जितने पॉइंट्स वगैरह आप अच्छी तरह से रीड करके तो उसके बाद ही भरना अब इसमें देख लीजिए कि क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए uh, college, क्या कुछ है असिस्टेंट प्रोफेसर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस साइंस लैंग्वेजेज एंड फिजिकल एजुकेशन इसके लिए क्या कुछ एलिबिलिटी होना चाहिए ये डिटेल्स में दिया हुआ यहाँ पर एलिबिलिटी क्राइटेरिया कर क्या होना चाहिए यहाँ आप देख सकते हैं ए मास्टर्स डिग्री विद फिट्टी फाइव परसेंट मार्क्स और एन इक्वरेंट ग्रेड इन द पॉइंट स्केल वेर अवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉरवर्ड चलिए इसके पहले हमने देखा था बिसाइड्स फुलफिलिंग दब क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट है नेशनल एलिबिलिटी टेस्ट दैट इज नेट कंडक्टेड बाई यू जी और सी एस आई आर और बी में इसमें कह रहा है द पी एच डी डिग्री हैज़ बीन ऑप्टेन फ्राम फॉरन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग अमंग टॉप फाइव हंड्रेड इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग चलिए बाकी इसमें और भी इसमें जो डिटेल्स दिया हुआ यहाँ से आप देख सकते ये देखिए ये है वेबसाइट एड्रेस जहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आने के लिए आपको जो एड्रेस ज़रूरत पड़ेगा वेबसाइट एड्रेस आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको स्पेल कर रहा हूँ एस एस डॉट डी यू डॉट ए सी डॉट इन ये है वेबसाइट एड्रेस और यहाँ पर आप पहुँचेंगे और ये आपका होम पेज है तो होम पेज पर आते ही क्या करना है आपको ये जो पहला लिंक है आप देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लीकेस फ़ॉर द अपॉइंटमेंट टू तो द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इसको आप क्लिक कीजिए आप जैसे इसको क्लिक करते हैं आप तो आपके पास वो जो लिंक हमने अभी डिस्कस किया था ये लिंक खुलेगा और इस पर सारा डिटेल्स दिया हुआ है आप डिटेल्स अच्छी तरह से पहले रीड कर लीजिए और फिर इसको आप भेज सकते हैं ठीक है ये अभी हमने डिस्कस किया ये यहाँ पॉइंट नंबर वन देखिए आप क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा ये आप देख सकते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड यदि ग्रेजुएशन है तो उनके लिए क्या कुछ एट्टी परसेंट एंड अबव इसके लिए ट्वेंटी वन मार्क्स दिया जाएगा और सिक्सटी परसेंट टू लेस देन एटी परसेंट टू नाइनटीन मार्क्स इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से ये शॉर्ट लिस्टिंग जो है प्रोसीजर जो होगा यदि पोस्ट ग्रेजुएशन है और उसमें एट्टी परसेंट एंड अबव मार्क्स है तो उसके लिए ट्वेंटी फाइव मार्क्स दिया जाएगा एम फिल है सिक्सटी परसेंट से अबव है तो उसमें ये इस तरह से मार्किंग होगा और इसके बेस पर फिर आगे देखिए इसमें क्या कुछ आगे होगा यहाँ से आप सारा देख सकते हैं टीचिंग अवार्ड वगैरह कुछ मिला हो तो उसके लिए भी मार्किंग होगा उसके लिए मार्क मिलेगा और उसके बाद आप टोटल देख लीजिए यहाँ से क्या कुछ है शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स क्राइटेरिया एंड प्रोसेस आप यहाँ से भी ये सब अच्छी तरह से पढ़ लेना क्या कि इसमें जो भी पॉइंट दिया हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइनल सिलेक्शन के लिए और सबसे बड़ी बात है कि ये रेगुलर पोस्ट है आपका तो इसके लिए यदि आप इंटरेस्टेड हो एलिजिबल हो तो इसको ज़रूर भरिए आप और इसका जो लास्ट डेट है लास्ट डेट इसमें ये जिस दिन पब्लिकेशन पब्लिश हुआ है नोटिस उससे उसमें विदिन टू वीक्स यानी कि दो हफ्ते के अंदर आपको इसको अप्लाई कर देना है ठीक है और यहाँ से इम्पॉर्टेंट नोट वगैरह देख सकते हैं यहाँ से एड्रेस वेबसाइट एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया क्या, क्या कैसे इसको फिल करना है तो चलिए यह था एक इन्फॉर्मेशन जो कि रेगुलर पोस्ट के लिए है रेगुलर टीचिंग पोस्ट के लिए और बाकी इस तरह के लगातार इन्फॉर्मेशन के लिए लगातार अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए यदि आप इस चैनल पर नए हो पहली बार आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि हर अपडेट आपको यहां से लगातार मिलता रहे मिलता हम एक दूसरे वीडियो में जहां पर इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना देखने सुनने समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओके थैंक यू बाबा